सिसई स्थित आश्रम बालिका आवासीय उच्च विद्यालय में 3 मार्च 2022 से लेकर 9 मार्च 2022 तक 7 दिवसीय योग और ध्यान शिविर का यज्ञाहूत और हवन के साथ समापन हो गया। आज के योग शिविर में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरणमाला बाड़ा शामिल हुई। अपने संबोधन में कहा कि योग को हमें दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है, तन मन को निरोगी रखने का संकल्प लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योगमय जीवन की चर्चा भी उन्होंने की, साथ ही योग प्रचारक सह योग गुरु जी योग सेवा को जन जन तक पहुंचाकर तन मन को निरोगी रख करने का नेक कार्य कर रहे हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। विद्यालय की प्रिंसिपल उषा कुमारी जी ने कहा कि हमें ऋषि मुनियों की जीवन पद्धति को अपनाकर संस्कारवान बनकर आदर्श जीवन जीना है। योग गुरु जी ने सभी को प्राणायाम के 3 अभ्यास कराते हुए विस्तार से शारीरिक और मानसिक लाभ की जानकारी दी। साथ ही प्रथम दिन से लेकर आज 7वें दिन तक सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, पेट के बल व पीठ के बल लेटकर करने वाला आसन, हाथों और पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम का प्रतिदिन अभ्यास कराया। पुनः सभी लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि अपने दिनचर्या के 24 घंटे में से हर सुबह तन मन धन की शुद्धि और पवित्रता के लिए केवल 1 घंटा योग करें और स्वस्थ रहें। आज देखिए सिसई प्रखंड के आश्रम विद्यालय में 7 दिवसीय योग शिविर का समापन हुआ और निश्चित तौर पर आज योग बहुत ही जरूरी है। आज योग नहीं करने के चलते तरह तरह का बीमारी से लोग ग्रसित हैं, इसीलिए आज डॉक्टर का भी सलाह है कि लोग योग करें और निरोग रहें। तो निश्चित तौर पर आज बच्चे यहाँ बच्ची जो पढ़ती है वो लोग योग शिविर में शामिल हुई, समापन हुआ और बहुत ही अच्छा वो लोग भी अनुभव कर रही है, हम भी अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ढंग से विधिवत ढंग से आज यहाँ के जो योग शिविर के जो टीचर गजराज महतो जी का अथक प्रयास है सिसई प्रखंड में, वो निस्वार्थ भाव से सभी को योग शिविर में जा के वो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और मैं इससे बहुत खुश हूँ, काफ़ी प्रभावित हूँ और सभी को आज योग अपना जीवन शैली में शामिल करने की आवश्यकता है, मुझे ये महसूस होता है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अपना योग को अपना जीवन शैली में स्थान दिए हैं और डेली कंटिन्यू हमारे प्रधानमंत्री योग करते हैं और उनसे भी हम सबों को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी योग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम सबों को भी योग करना चाहिए। पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में 7 दिवसीय योग एवं ध्यान शिविर का आयोजन आश्रम बालिका आवासीय उच्च विद्यालय सिसई गुमला में मेरे द्वारा कराया गया। इसके निमित्त बच्चियों को, यहाँ के विद्यार्थियों, छात्राओं को यौगिक जॉगिंग, शरीर की आरोग्यता के लिए सूक्ष्म व्यायाम, पैर हाथों की सुदृढ़ता के लिए प्राणायाम के 3 अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भांति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शरीर के अंतःकरण की अंगों की आरोग्यता के लिए अभ्यास कराया। पुनः मैं बीच बीच में सरकार का जो हमारे स्वामी जी का आह्वान था 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, उसके निमित्त मैंने प्रत्येक दिन 13 अभ्यास 12 मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया और सूर्य के भांति ओजते ऊर्जावान बनने की सलाह दी पवन के साथ, जिसमें मेरा शुभ नाम गजराज महतो, पतंजलि योग समिति सिसई, योग प्रचारक सहयोग गुरु। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।